मेरठ का सियासी तापमान आज आसमान पर पहुंच जाएगा, क्योंकि तीन दिग्गज यहां मेरठ में हुंकार भरने जा रहे हैं। हनुमान जयंती का मौका है और तीन दिग्गज यहां पर पूरी ताकत अपने अपने प्रत्याशियों के लगाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर रोड शो करेंगे, मायावती यहां पर रैली करेंगी और अखिलेश यादव भी सिवाल खास में रैली करने जा रहे हैं। मैं इस वक्त उस इलाके में मौजूद हूँ, वैली बाजार में, जहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो रोड शो है वो शुरू होगा और यहाँ से गुजरेगा। और ये देखिए किस तरीके से पूरे बाजार को यहाँ किस तरीके से सजाया गया है, चारों तरफ आपको झंडे झंडे नजर आ जाएंगे। और खाली यही नहीं, जो पूरा इलाका है, जिस इलाके से होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरेंगे, उनका भव्य स्वागत होगा, जोरदार स्वागत होगा। मेरठ मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है। और जहाँ से ये रोड शो दिल्ली चुंगी से रोड शो शुरू होगा और उसके बाद शारदा रोड, कबाड़ी बाजार, वैली बाजार होते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएगा और पूरी ताकत आज मुख्यमंत्री यहां पर लगाएंगे कि जो बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल है उनको कैसे चुनाव जिताया जा सके। 2009 की बात हो, 2014 की बात हो और 2019 की बात हो, तीनों बार यहां पर बीजेपी जीती है और इस विजय रथ को यहां पर बीजेपी जारी रखना चाहती है कि 2024 में भी कमल खिले। इसी के साथ ही आज यहां पर जो मायावती हैं बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी के समर्थन में यहां रैली करने जा रही हैं। अल्लीपुर गांव में हापुड़ रोड पर उनकी रैली होने जा रही है और इसी के साथ ही अखिलेश यादव भी यहाँ सिवाल खास में रैली करेंगे और यहाँ जो बागपत लोकसभा सीट से प्रत्याशी है अमरपाल शर्मा उनके पक्ष में पूरा माहौल बनाएंगे। यहाँ मुख्यमंत्री के स्वागत की बात कर लेता हूँ, ये तमाम लोग हैं जो मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, इन्हीं लोगों से बात कर लेता हूँ। मुख्यमंत्री यहाँ रोड शो कर रहे हैं, किस तरीके स्वागत की तैयारी है? आज स्वागत की तैयारी बहुत बढ़िया है और बहुत मजबूती के साथ, फूलों की वर्षा है और मतलब बहुत जोर शोर से स्वागत किया जाएगा। और हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, हमारे व्यापारी भाइयों ने सब मिलकर पूरे वैली बाजार में आज झंडे बांधे हैं पूरी मेहनत के साथ। और बाकी बात हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे। अध्यक्ष जी क्या तैयारी कर रहे हैं? भव्य स्वागत की, मुख्यमंत्री जी के भव्य स्वागत की तैयारी है और सब समाज उनके साथ है। अरुण गोविल जी भारी मतों से जीत के जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उनके साथ है, सब उनका सम्मान करते हैं, भारी मतों से जीतेंगे, मेरठ का रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत के जाएंगे अरुण गोविल जी। अच्छा, आज मुख्यमंत्री का रोड शो है, किस तरह की तैयारी कर रखी है? तैयारी पूरी है, जितनी तैयारी आज तक उनके रोड शो में हुई है उससे कई गुना ज्यादा यहाँ तैयारी है और मेरठ की जनता उन्हें पसंद कर रही है, पूरी पार्टी को पसंद कर रही है और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। मुकाबला किससे मान रहे हो? मुकाबला सपा बसपा दोनों से ही है, जो भी मुकाबला है जितना भी है, जितनी वोट उन्हें मिलेंगी मिलेंगी, बाकी सारी हमारी हैं। अच्छा, कैसी तैयारियां? स्वागत की बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है, सब जगह जितनी भी झंडे बैनर पोस्टर सब तरह की व्यवस्था की गई है, व्यापारियों ने अपने आप से आगे बढ़कर सारी व्यवस्थाएं की है, सब जगह व्यवस्था वातावरण बिल्कुल सुखद है। अच्छा सर, क्या लग रहा है मुख्यमंत्री जैसे आ रहे हैं, क्या लग रहा है उनके आना, रोड शो करना, इसके पीछे की सोच? उनकी सोच यही है, सब जनता को एक साथ अपने साथ लेके चलेंगे वो जो है, और कोई भेदभाव नहीं और सबों की समस्याओं का समाधान, आगे भविष्य में जो है क्या यहाँ पे विकास होना है सबों का वो काम करेंगे उसके लिए जो है। इस सरकार में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका भरोसा जीता है, इसलिए चुनाव जीतेंगे अरुण गोविल जी, भारी मतों से जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत के जाएंगे, रिकॉर्ड तौर वोटरों से ही जीत के जाएंगे अरुण गोविल जी। कैसा स्वागत है? भव्य स्वागत, मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत होगा, सब समाज स्वागत कर रहा है, हम तैयार हैं, कल से हमारी तैयारी है स्वागत करने की और बहुत जोर शोर से स्वागत किया जाएगा मुख्यमंत्री जी का। और देख रहे हैं मुख्यमंत्री कई बार आ चुके हैं, बिल्कुल उनका स्वागत बराबर चल रहा है, आज भव्य स्वागत होगा। अच्छा, पूरे रोड पर देख रहा हूँ सारे में झंडे गुब्बारे सब सब हम लोगों ने तैयारी किया, पूरी रात तैयारी की है मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए और हम भव्य स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री जी का। पुष्प वर्षा भी की जाएगी जब उनका यहाँ से रोड शो निकलेगा, हर व्यापारी हर दुकान पे जो है पुष्प वर्षा उनके ऊपर करेगा वो जो है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो व्यापारी है वो यहाँ उत्साहित नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का दिन ऐसा है कि तमाम दिग्गज यहाँ पूरी ताकत आज लगाएंगे, जो जनता की नब्ज है वो भी टटोलेंगे और अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में पूरा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ मायावती अपने प्रत्याशी देवव्रत त्यागी के लिए हुंकार भरेंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी रास्ते से होते हुए अरुण गोविल के लिए प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे और मेरठ का ही जो सिवालखास इलाका है वो बागपत लोकसभा का हिस्सा है, वहां पर अखिलेश यादव गरजेंगे कि बागपत में इस बार चाहे जैसे भी हो साइकिल चला ली जाए, लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिमी यूपी का जो सियासी तापमान है आज वो पूरे आसमान पर रहेगा और सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं।
कि मुख्यमंत्री जब यहां से गुजरेंगे अगर उनका संबोधन होता है तो क्या बोलते हैं, मायावती क्या बड़ा संदेश मेरठ की धरती से देने की कोशिश करेंगी और अखिलेश यादव ऐसा क्या गर्जेंगे कि जिसके सियासत में मायने बड़ी दूर तक निकाले जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।